आरसीएफ फिर से कम बैक कर रहे हैं सारे ही फर्टिलाइजर स्टॉक्स आने जी, एंड आपका वन ऑफ द फेवरेट रहा है चंबर फर्टिलाइजर्स, जिसने एक बहुत ही अच्छी रनअप रिसेंटली वापस दिखाई है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीएफ में भी जो हिसाब से कम बैक हुआ है लास्ट अगर 3-4 दिनों से हम देखें, जो 50 डेमा से और 200 डेमा एक अच्छी खासी उसकी जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेंज है, वहां से स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स के साथ मूव देखने मिला है और सारे इंडिकेटर्स एट ऑल द डिग्री फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म अच्छा खासा बाय क्रॉस ओवर दे चुके हैं। बाय दैट आई मीन टू से कहते हैं ऑल फेवरिंग बुल्स। सो आज अनिल जी मेरी लॉन्ग टर्म कैटेगरी की पिक रहेगी, आज इसको खरीदना है। ये स्टॉक चल रहा है करीब अभी 104 के आसपास, यहाँ पे पोजिशनल परस्पेक्टिव स्टॉप लॉस जो प्लेस करना होगा वो है 82 का टारगेट अनिल जी, इसका मेरा बनता है 150 रुपए का। सो 150 के टारगेट्स के लिए आरसीएफ को खरीदना है, करंटली 104 पे ट्रेड कर रहा है। सो आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड एब्सोल्युटली फेवर कर रहा है लॉन्ग साइड पर, बाय साइड पर 1:2 और मे बी उससे ज्यादा ही रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन रहा है, तो इसको खरीद कर चलना है।